प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को 10 साल करने की अटकलों पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विराम लगाया है। हमीरपुर में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक के लिए पहुंचे पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अभी तक सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और कोई विचार भी नहीं है। जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक हमीरपुर के बचत भवन में हुई, जिसकी अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की। इस अवसर पर विधायक कमलेश कुमारी, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री, उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा तथा जिला के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर शिकायत निवारण समिति के विभिन्न गैर सरकारी सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की विभिन्न शिकायतों को जिला प्रशासन के समक्ष उठाया गया। इस अवसर पर आईपीएच विभाग तथा लोक निर्माण विभाग से जुड़ी ही मसलों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके साथ ही बरसात में हुए नुकसान की भरपाई पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर विधायक वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का कार्यकाल 10 वर्ष तक किए जाने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अभी तक इस तरह की कोई प्रस्ताव नहीं आया है। मैंने भी समाचार पत्रों में ही पढ़ा है कि 10 साल किया जा रहा, अभी ऐसा कोई भी सरकार के वो विचाराधीन नहीं है। जब भी होगा तो सबसे पहले आपको ही बताएंगे। मैंने कहा कि अभी तब तो अंडर कंसीडरेशन में भी नहीं है, ये तो सिर्फ समाचार पत्रों में ये बात आई थी और मैंने भी पढ़ा, लोग मेरे से जानकारी चाह रहे थे जैसे आप पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा मूव नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में जिला में बरसात में हुई नुकसान के आंकलन पर सरकार द्वारा शीघ्र भरपाई को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बरसात के बाद काफी नुकसान जिला में हुआ है और बरसात के दौरान हुए नुकसान की भरपाई से लेकर लोगों को सहूलियत दिए जाने के बारे में बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए काम किया जाएगा। आज जो है वो जिला शिकायत निवारण समिति की जो है वो बैठक है और बहुत सारे इशू इसमें आएंगे, क्योंकि इस बार भारी बरसात के कारण जो है जहां जान माल और सड़कों का जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें जो है वो नुकसान हुआ है, तो यहां पर सभी अधिकारी यहां पर आएंगे तो उनको कहेंगे कि जितनी भी जल्दी जो है पीने के पानी, बिजली और जो लोग आम रास्ते और सड़कें जो हैं उनको जो है वो रिस्टोर किया जाए, ये हमारी जो है सरकार की जो है वो प्राथमिकता रहेगी।